BOT बैच ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी इज एन अंडर ग्रेजुएट पैरामेडिकल कोर्स. ये एक अलाइड हेल्थ प्रोफेशन है एंड कोई भी स्टूडेंट इसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं रखता है क्योंकि ये एक पैरामेडिकल कोर्स है एंड हर एक स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है या हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स नर्सिंग में जाते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें MBBS या फिर डॉक्टर लेवल का कोई कोर्स नहीं मिलता है. सो यहाँ पे बैच ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी के टॉप 10 ऐसे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो बेस्ट है, टॉप 10 लिस्ट में आने ही चाहिए और ये काफ़ी पॉपुलर है. इन कॉलेजेस में अगर आपके डिज़ायर्ड कोर्स नहीं मिल रहे हैं आपको तो आप BOT भी कर सकते हैं या फिर पैरामेडिकल या नर्सिंग कोर्स भी परस्यू कर सकते हैं जो कि ये अपने आप में बेस्ट है और आने वाले टाइम में और अभी भी इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है. बैच ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी 4.5 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है एंड यहाँ पे 8 सेमेस्टर्स होंगे प्लस 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होगी. तो स्टार्ट करते हैं और नंबर 1 पे जो कॉलेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में है. ये काफ़ी वेल नोन कॉलेज है एंड फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, BOT PCB स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, PCM स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं. अब यहाँ पे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज से अगर आप BOT करना चाहते हो तो आप 12th पास हो, उसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है. बट हाँ, एडमिशन के लिए आपको CBT देना होगा. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज का जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको स्पेशल असेसमेंट्स एंड इंटरव्यू के लिए भी अपियर होना होगा. 90,520 टोटल फीस है, ये कोई एक साल की फीस नहीं है. सो फीस यहाँ पे कंपेरेटिवली बहुत कम है एंड सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत कम सीट्स आपको दिखेंगे किसी भी कॉलेज में क्योंकि ये एक पैरामेडिकल कोर्स है और पैरामेडिकल कोर्स में कई सारे कोर्सेज एंड स्पेशलाइजेशन आ जाते हैं. बट आप अगर स्पेसिफिकली BOT करना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ 10 सीट्स क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है. तो 50 मेडिकल कॉलेजेस जो टॉप पे हैं, उन टॉप 50 मेडिकल कॉलेजेस में ये 3rd रैंकिंग पे आती है. सो नेक्स्ट नंबर 2 पे है हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में. ये कॉलेज है, नीट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं. फीस आप देख सकते हैं 1.2 लाख एक साल की फीस है. बट हाँ, कॉलेज काफ़ी अच्छा है और सिर्फ बायोलॉजी स्टूडेंट्स को BOT कोर्स यहाँ पे करवाते हैं. तो सीट्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है. सो काफ़ी ज़्यादा सीट्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई है. नंबर 3rd पे है मणिपाल यूनिवर्सिटी जो कि मणिपाल में है. सो ये इट्सेल्फ एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है. BOT की फीस यहाँ पे टोटल फीस है 10,74,000 एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस फीस. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर हॉस्टल फीस, मिस चार्जेस एंड एनी अदर फीस. ठीक है, सो PCB स्टूडेंट्स यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं BOT कोर्स और उसके लिए आपको MET एग्जामिनेशन देना है. मणिपाल इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होता है, क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे. नंबर 4th पे है एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा. ये नोएडा की बात की जा रही है, कोई लखनऊ या अदर कैंपस की बात नहीं हो रही है. सो नोएडा में स्पेसिफिकली आप BOT करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसका जो मेरिट बेस्ड है उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपके GDE and PI के बेसिस पे होगा. तो वो आपको देना पड़ेगा, 12th में अच्छे परसेंटेज होने चाहिए. देन अगर आप ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा. फीस आप देख लीजिए, यहाँ पे टोटल फीस है 3.21 लाख. सो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, यहाँ पे 50% 12th में आपके कम से कम होनी चाहिए PCB स्ट्रीम के साथ. नंबर 5th पे है SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई. यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए 12th PCB स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं. 12th में कम से कम 50% रिक्वायर्ड है. सो 5.85 लाख टोटल फीस है BOT की एंड सीट्स आपके यहाँ पे ज़्यादा है, 100 टोटल सीट्स हैं. SRM JEE का एंट्रेंस एग्जाम आपको यहाँ पे देना है SRM यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए. सो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री रामचंद्र यूनिवर्सिटी जो कि अगेन चेन्नई में है. सो श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च चेन्नई एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है. फॉर्मली इसे श्री रामचंद्र यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है. सो एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, PCB स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. इंग्लिश होना मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी होता है. 4 लाख टोटल फीस है BOT प्रोग्राम की. BOT टोटल 4.5 साल का कोर्स है जिसमें से 6 मंथ्स की आपकी मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है. सो एडमिशन कैसे होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू भी आपको यहाँ पे देना होगा.
टोटल 40 सीट्स हैं श्री रामचंद्र यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह इंपस यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, जिसे GGSIP यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। सो इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो BOT वही कर सकते हैं जिनके 12th में PCB स्ट्रीम है विद मिनिमम 50% एंड टोटल फीस रहेगा 90,000। सीट्स आप देख सकते हैं 40 है टोटल। यहाँ पे आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, IP यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सो गुरु गोविंद सिंह इंपस यूनिवर्सिटी के पास इंटरनेशनल अकेडमिक कोलाबोरेशन है विद सेवरल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज सच एज ग्लासगो UK, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन एंड मेनी मोर। ठीक है, देन नेक्स्ट नंबर 8 पे है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि नागपुर में है। इसके अगर हम बात करें तो PCB स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं एंड टोटल फीस है 1 लाख और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सो जितनी भी फीस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ उसमें फ्लक्चुएट कर सकता है डिपेंडिंग किस ईयर आप अप्लाई कर रहे हैं एंड एडमिशन यहाँ पे नीट या फिर MHCET के बेसिस पे हो सकता है। आप इनमें से कोई भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। देन नेक्स्ट है NIEPMD चेन्नई में है और इस इंस्टीट्यूट की बात करें सो PCB वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। 1.43 लाख टोटल फीस रहेगी, इसका खुद का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो आप दे सकते हैं। नंबर 10 पे है सेठ GS मेडिकल कॉलेज मुंबई, यहाँ भी PCB वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अब तक आपने ये देखा जितने भी कॉलेजेस हैं मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में PCB वाले ही एलिजिबल है। PCM स्ट्रीम को बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है BOT कोर्स परस्यू करने के लिए, बट हाँ मिलती है अगर आप चाहते हो BOT कोर्स करना या फिर कोई ऐसा पैरामेडिकल कोर्स करना है जिसमें जैसे B Pharma D Pharma कोर्स हो गया, PCB वाले यहाँ पे PCM वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उन फील्ड में भी आप जा सकते हैं भले ही कितनी भी सीट्स, उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ठीक है, सो सेठ GS मेडिकल कॉलेज में भी आपको एंट्रेंस देना है एंड यहाँ पे टोटल फीस रहेगा 2.43 लाख। आई होप बैच ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में या उसके कॉलेज के बारे में यहाँ पे जानने को मिला होगा। इस कोर्स के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो कोई भी डाउट है डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।